तुमने अपना अश्योरेंस मेरे को दिया है ना, तो वो मेरे लिए ऐसी फीलिंग है ना कि लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जामिनेशन अगेन. और जितना तुम्हारा ट्रस्ट देखा, जितना तुम लोगों का भरोसा देखा ना, जो 5 दिन से या 6 दिन से नींद नहीं हुई थी, वो सबका सब भी गायब हो गया. लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट फील्स सो गुड. आई लिटरली फेल्ट सो ब्लेस्ड. तुमको इस वीडियो में मुझे बताना था एक्चुअली में कि आज जो मैंने तुमको डे वन का टारगेट दिया था, उसके सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या चीज़ें की. मतलब ना कि सिर्फ पढ़ाई, मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि दी टारगेट कंप्लीट हो गया, बल्कि इसके अलावा मैं तुमको पानी पीने के लिए बोला था, ब्रेक लेने के लिए बोला था, तुमने वो किया कि नहीं किया. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस वीडियो में एक्चुअली बताना था, वो ये कि वीडियो शॉर्ट रहेगा. एक चीज़ समझ कि मैं लिटरली कोई भी बच्चा हो ना, उसके लिए वो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ना मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ ना तुम लोगों के लिए कि तुम्हारा माइंडसेट ही बदल जाए. तुम लोगों के लिए ना डिफिकल्ट जो वर्ड है ना, वो हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करे तुम्हारी डिक्शनरी में. तुमको लगे आधी मेहनत चाहिए ना, आई एम रेडी टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट. मेरे को सिर्फ मेरा सिलेक्शन चाहिए, एंड ऑफ डिस्कशन. मतलब और कोई दूसरा टॉपिक होना ही नहीं चाहिए. अगर मैं अपना एग्जाम 2-2.5 महीने की ड्यूरेशन में क्रैक कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं कर सकता? कौन रोकेगा, कौन रोक सकता है तेरे को? सिर्फ एक इकलौता तू ही बैरियर है. क्योंकि ना 2 लोगों के 10 लोगों के 20 लोगों के कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, 15 लोग हमें गाइड करते नहीं हो सकता, 5 लोग हमें बोलते हो सकता है. अल्टीमेटली हमारा जो मेंटल पीस है ना, जो हमारा मेंटल एक ब्रेन का जो पावर है, हम उसको गिल्ट में और कन्फ्यूजन में डाल के खत्म करते रहे. तो अब जो तुझे सोने से पहले एक टास्क ऑन रेगुलर बेसिस ही करना है, वो ये तुझे खुद को बताना है कि इवन अगर हम अनिशा की बात करें, अलका की बात करें, रोज़ की बात करें, कि या मैं डिजर्व करती हूँ सीट. आई नो बहुत आसान है, आई लव हार्ड वर्क, आई लव डूइंग हार्ड वर्क. फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री आसान है, सिर्फ तेरे को एक्सेप्टेंस लेके आना है कि आसान है. अगर मैं तुझसे पूछूं कि अलीशा बेटा, अलका बेटा, रोज़ जो भी है, उनसे मैं अगर ये पूछूं कि काजल दी मतलब तू 12th पास आउट है, कितने सर्टेनिटी से तुम्हारा जवाब आएगा? हाँ दी, सर्टिफिकेट है ना तुम्हारे पास प्रूफ, तो तुम्हारा नीट का एग्जाम हो सकता है क्या? इतने ही सर्टेनिटी से जवाब आ रहा है? अगर नहीं आ रहा ना, तो अब तेरे को सिर्फ 10 मिनट डेली अलार्म लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? अपने आप को ये चीज़ बोलना है, कादी आई डिजर्व 2025 का सीट, आई डिजर्व 2025 का सीट. डिजर्विंग बन, मिलेगा सीट उसको ही जो डिजर्विंग होगा. और डिजर्विंग कैसे बनेंगे? किसी भी ऐसे इंसान, किसी भी ऐसा सिचुएशन, किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट को अपने पास मत आने दे जो ये बता दे कि तेरे से नहीं हो सकता, तू नहीं कर पाएगा. दूर फेंक दे, क्योंकि सबकॉन्शियस में जा रहा है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव. इसीलिए अब आप अगले 10 दिन के लिए, मतलब करके देखो, 1 हफ्ते के लिए भी करके देखो, मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं तो बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर. डिजर्विंग बन, चीज़ें खुद मिल जाएंगी, लिटरली चीज़ें खुद मिल जाएंगी. अगर डिजर्विंग बनेगा, चीज़ें खुद मिल जाएगी. तो हमको अब अगले 10 दिन के लिए 10 मिनट का टाइम लगा के कभी भी, खासकर सोने से पहले, ओवर थिंकिंग और जो कचरा चीज़ें होती हैं उसको सोचने से ज़्यादा हमको क्या सोचना है? काजल दी, आई डिजर्व नीट 2025 का सीट. और जिस दिन तेरे को ये अश्योरेंस आ गया ना कि भाई मैं डिजर्व करती हूँ नीट 2025 की सीट, कोई इस संसार का प्राणी तेरे को नीट 2025 की सीट से नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा. मैं भी नहीं रोक सकता, कोई इंसान भी नहीं रोक सकता, इवन तू खुद भी चाहे ना तो तू खुद को नहीं रोक सकता. इतना पावरफुल होता है जब हमको पता होता है कि जो हम चाहते हैं उसके लिए हम डिजर्विंग हैं. मेक श्योर यू मेक योर सेल्फ फील डिजर्विंग अबाउट दैट ड्रीम, क्योंकि अभी तेरे लिए वो चीज़ डिफिकल्ट है, अभी तेरे लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल है, तो तू खुद को ही उस ड्रीम से बहुत छोटा, बहुत काइंड ऑफ लो कंसिडर करता है. मेक श्योर तुझे पता हो कि जो सीट तू चाहता है ना, वो सीट तुझे भी उतना ही चाहती है. अगर तू डॉक्टर बनना चाहता है, तो मेडिकल कॉलेज भी तुझे डिजर्व करती है. इतना लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे हर एक बच्चे से, हर एक बच्चे से जो मुझे सुन रहा है, जो टारगेट्स फॉलो कर रहा है, जो दी को सुन रहा है, जो दी को समझ पा रहा है, हर उस बच्चे से कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि तुम्हें करोगे, करने के बाद तुमको कैसा फील होगा ये मुझे बताना. और ट्रस्ट मी, ये अगर यहाँ मान गया ना, तो रियलिटी, एफर्ट्स, हार्डवर्क ऑटोमेटिक हो जाता है, फ्लो मोड में हो जाता है. तू 12 घंटे 16 घंटे पढ़ रहा होगा ना, तो जैसे लग रहा हूँ कहती यार मज़ा आ रहा है, जो भी देखो हार्डवर्क करता हूँ ना, नींद बहुत अच्छी आती, मज़ा आ जाता है बिल्कुल. तो बस ये करना है तुझे, 1 हफ्ते के लिए भी करके देख, तुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कादी क्या कहना चाह रही है. और उसके बाद फिर तेरी आदत बन जाएगी, एंड यू विल लव डूइंग इट, यू विल एंजॉय डूइंग इट. बैकग्राउंड में लगाओ अपना फेवरेट म्यूजिक, विदर इट इज आशाएं, जो भी तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक उसको लगाओ. और अपने आप को बताओ कि तुम वर्दी कैसे हो, तुमने तुम ऐसा क्या कर रहे हो. और तुम अपने आप को प्रूफ दो, ब्रेन को प्रूफ दो कि कादी मैं डिजर्विंग हूँ बिकॉज ऑफ दिस. मैं डिजर्विंग हूँ क्योंकि मैंने 2 घंटे का लेक्चर किया. मैं डिजर्विंग हूँ क्योंकि मैं अपने हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ. मैं डिजर्विंग हूँ क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ. मार्क्स नहीं बोला मैंने, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ. अपने आप को डिजर्विंग प्रूव करना शुरू करो. जिसके मॉक में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं,
वो ये भी बोल सकते हैं कि मेरे मॉक में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, करके देख, आई कैन अश्योर यू कि जो तेरी फीलिंग होगी ना, जो तेरे ब्रेन और बॉडी का जो डोपामिन का लेवल होगा ना, वो एकदम ऐसे जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? अब नेक्स्ट मिनट, बाय, टेक केयर।